नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान सिविल और मैं हूं आपके साथ चोप सिंह सक्सेना और बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। ताजनगरी आगरा के ब्लॉक बरौली अहीर पर सोमवार को प्रधान संगठन बरौली अहीर के नेतृत्व में ब्लॉक प्रमुख काका उत्तम सिंह को कमिश्नर आगरा के नाम प्रधान संगठन बरौली अहीर के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया, जिसमें प्रधान संगठन के ब्लॉक बरौली अहीर के अध्यक्ष एवं पदाधिकारियों ने पुलिस कमिश्नर से मांग करते हुए कहा है कि ग्राम पंचायत नैनाना ब्राह्मण में प्रधान पुष्पा देवी के पति राम किशन कुशवाहा एवं 70 वर्षीय ससुर मंगल सिंह एवं देवर बंटू उर्फ हाकिम को प्रधान की रंजिश के तहत हत्या के आरोप में निर्दोष फंसाया गया है, जबकि 70 वर्षीय व्यक्ति किसी की हत्या नहीं कर सकता। प्रधानी की राजनीति के तहत सभी को फंसाया गया है, जिसकी हम निरपेक्ष जांच की मांग करते हैं, क्योंकि पूर्व प्रधान बिजेंद्र सिंह को प्रधानी के चुनाव में इन्होंने हरा दिया था, जिसकी वह तभी से रंजिश मानने लगा है। और उनका कहना है, पदाधिकारियों ने आरोप लगाते हुए कहा है कि सड़क दुर्घटना में गांव के ही बंटू पुत्र कालीचरण की मौत हो गई थी, जिसमें पूर्व प्रधान बिजेंद्र सिंह कुशवाहा ने चुनावी रंजिश के तहत वर्तमान प्रधान पति एवं उनके परिवार के लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। इसको लेकर सभी प्रधानों ने एकजुट होकर निरपेक्ष जांच की मांग की है। इस मौके पर मौजूद रहे प्रधान संगठन ब्लॉक अध्यक्ष रमाकांत ठाकुर उर्फ भोला, प्रधान शिव सिंह तोमर, प्रधान गौरव चौधरी, प्रधान सोमवीर सिंह, प्रधान पति रवि तिवारी, प्रधान पति महिपाल, प्रधान बीपी सिंह, प्रधान मुरारी लाल कुशवाहा, प्रधान अधर सिंह, प्रधान हरेंद्र सिंह, प्रधान बलदेव, प्रधान संतोष, प्रधान चंदा बाबू सहित ब्लॉक के प्रधान उपस्थित रहे। तो जानिए क्या कुछ कहना है प्रधानों का और क्या कुछ कहना है ब्लॉक प्रमुख काका उत्तम सिंह का, किस प्रकार उन्होंने इस पूरे मामले की निरपेक्ष जांच की कमिश्नर आगरा से मांग की है। आइए जानते हैं क्या कुछ कहना है सभी संगठन के पदाधिकारियों का और ब्लॉक प्रमुख काका उत्तम सिंह का। प्रमुख साहब, आज ब्लॉक पर कुछ प्रधान एकत्रित हुए हैं, क्या कुछ है पूरा मामला? आज विकासखंड बरौली के ग्राम पंचायत नैनाना ब्राह्मण के में जो होली के दौरान एक मृत्यु हुई थी, उस मृत्यु के उपलक्ष्य में हमारे ग्राम प्रधान राम किशन जी, उसके छोटे भाई और उनके पिताजी को नामजद कर दिया गया और धारा 302 लगवा दी गई। ये रंजिशन ये कार्य किया गया, तो इस उपलक्ष्य में आज हमारे विकासखंड के प्रधान संगठनों ने एक ज्ञापन दिया है पुलिस कमिश्नर महोदय के नाम कि इस प्रकरण में निष्पक्ष जांच कराई जाए। अगर प्रधान एवं उसका परिवारीजन इस घटनाक्रम में संलिप्त हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, उनको दंडित किया जाए। अगर वो संलिप्त नहीं है तो उनको बाइज्जत बरी किया जाए। यही प्रधान संगठन की अपील है कमिश्नर महोदय से, और ये हम भी इसको मतलब ज्ञापन को कमिश्नर महोदय के पास लेकर के जाएंगे और उनको प्रस्तुत करेंगे कि इस प्रकरण में नैनान ब्राह्मण प्रधान के प्रकरण में निष्पक्ष जांच कराई जाए। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मुरारीलाल कुशवाहा है, ग्राम प्रधान सैमरी। तो आज यहाँ प्रधान क्यों ब्लॉक पर एकत्रित हुए? हमारे एक साथी प्रधान जो नैना ब्राह्मण के हैं, जिनका नाम राम किशन है, इन्हें 302 के मुकदमे में फर्जी रूप से फंसाया जा रहा है किसी साजिश के तहत। हमारी प्रशासन से मांग है कि प्रधान के साथ न्याय होना चाहिए, इस पर जांच होनी चाहिए, जिससे वो निर्दोष है तो बरी किया जाए और दोषी है तो उनके खिलाफ कार्रवाई। क्यों लग रहा है आपको, क्यों निर्दोष फंसाया जा रहा है जी? इनकी ऐसी व्यक्तिगत उनकी चुनावी रंजिश होगी कोई ना कोई कहीं पर भी, उनके गाँव का मामला है, पर्सनल हो सकता है, इसलिए उन्हें फंसाया जा रहा है किसी मामले में। और देखा जाए ये भी देखा जा रहा है, हमारे कई उन साथियों पहले भी मुकदमे फर्जी रूप से लोग दर्ज करा रहे हैं, प्रशासन उस पर स्पष्टीकरण और निर्दोष प्रधानों को भी बेफालतू में FIR दर्ज कर देते हैं और उनका मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न होता है। अगर प्रशासन अगर आपकी सुनवाई नहीं होती है तो क्या किया जाएगा आगे? हमारी अगर सुनवाई नहीं होती है, हम भी अपनी व्यवस्था देखेंगे, धनाभिषद देंगे, कमिश्नर साहब से मिलेंगे, DM साहब से मिलेंगे, और यहाँ पर भी सुनवाई नहीं होती है हम मुख्यमंत्री जी से मिलने के प्रयास करेंगे। आप अपना परिचय देते हुए आज किस लिए एकत्रित हुए आप ब्लॉक पर? रमाकांत सिंह, प्रधान संगठन अध्यक्ष बरौली। आज हमारे साथी प्रधान नैना ब्राह्मण के रामकृष्ण कुशवाहा को झूठे मुकदमे में फंसाया गया है, और प्रमुख जी के माध्यम से सभी प्रधानों ने, पूरे संगठन ने एक प्रमुख जी के माध्यम से कमिश्नर साहब को ज्ञापन दिया है, प्रधान जी को
निष्पक्ष जांच कराई जाए मुकदमे की और प्रधान जी का अगर दोषी नहीं है तो निष्पक्ष बरी किया जाए। तो क्या लग रहा है आपको, आप कैसे क्या चाह रहे हो प्रशासन से, आप जांच हो जाए उसकी सही तरीके से, बिल्कुल निष्पक्ष बरी है तो उन्हें बरी किया जाए बिल्कुल। जी क्या मामला है, किस लिए आप ब्लॉक पे एकत्रित हुए? मैं शिव सिंह तोमर प्रधान सलाहकार, हमारे साथी रामकिशन कुशवाहा जो नैनाना ब्राह्मण ग्राम पंचायत के प्रधान हैं, वर्तमान प्रधान हैं, उनको एक 302 के मुकदमे में झूठा फंसाया गया। इस सिलसिले में हम लोग यहाँ सब एकत्रित हुए हैं और हमने एक ज्ञापन प्रमुख जी के माध्यम से सीपी साहब को भी दिया है कि इस प्रकरण में निष्पक्ष जांच कराई जाए। आपको क्यों लग रहा है कि वो आप झूठा फंसा दिया गया, निर्दोष फंसा दिया, आपको क्यों लग रहा है, क्या कारण है इसके पीछे? ये इनका चुनावी रंजिश के तहत इनको फंसाया गया है। इनका कोई पिछला प्रत्याशी था जिसको इन्होंने हराया था, विजेंद्र सिंह करके हैं, उनके ही किसी मिलने वाले की ये मृत्यु हुई है, जो एक्सीडेंटल मृत्यु हुआ और उसको 302 की घटना बना के प्रधान जी को, प्रधान जी के भाई को और प्रधान जी के पिताजी को झूठा फंसा दिया गया है। तो आप क्या मांग करते हो, क्या क्या कुछ कहना चाहो इसके लिए? हम प्रशासन से केवल इतनी मांग करते हैं कि इस प्रकरण में निष्पक्ष जांच कराई जाए, अगर प्रधान जी दोषी हैं तो उनको सजा दी जाए, अगर प्रधान जी दोषी नहीं है तो उनको बाइज्जत बरी किया जाए। आप अपना परिचय देते हुए आज यहाँ ब्लॉक पर किस लिए एकत्रित हुए हो, क्या मामला है पूरा? मैं डॉक्टर बलदेव चौधरी प्रधान ग्राम पंचायत ब्लॉक बरौली से हूँ। आज हमारे प्रधान संगठन की बैठक हुई, एक हमारे प्रधान को एक फर्जी हत्या के मुकदमे में फंसाया गया है, उसमें जो है पूर्व प्रधान विजेंद्र सिंह कुशवाहा की पूरी चुनावी रंजिश की वजह से उन्होंने इनका नाम जबरदस्ती दिलवाया है, उन्हीं के द्वारा साजिश करा के उनके गुरुओं के द्वारा उस लड़के को मरवाया गया है और हमारे प्रधान को फंसाया गया है। इससे पहले भी उन्होंने इनके झूठी शिकायतें करके इनके फर्जी वो जो है अधिकार सीज कराए, उससे पहले एक प्रधान विंदीपुर प्रधान अमरुदेव शर्मा उनके सीज कराए, वो लोकतंत्र की हत्या करना चाहता है। वो कोई व्यक्ति अगर चुनाव से वोट से जीतता है उसे किसी को राजी नहीं होता, वो स्वयं एकाधिकार करके प्रधान बना रहना चाहता है, इसीलिए इन्हें एक अपने चेले को उसको विश्वास में लेकर रात को मरवा के गलत कार्य किया है और इस व्यक्ति के ऊपर गंभीर फर्जी आरोप लगाए। और इसी के साथ जुड़े रहें आप हमारे साथ और देखते रहें हिंदुस्तान सीबी न्यूज़।